हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। देखिए, 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज मैंने स्टार्ट की थी जनवरी 2022 में। तो ये पूरा मैं आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर ये 1000 एमसीक्यूज़ कवर कराने वाला हूँ, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप ये सीरीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 6 बजे ये वीडियो आपको रेगुलर बेसिस मिलेगी, आप इसको देखना शुरू करिए। देखिए, 1000 एमसीक्यूज़ तो मैं आपको यूट्यूब पे कराने वाला हूँ और बाकी के मैं 4000 एमसीक्यूज़ आपको अनअकैडमी की फ्री क्लासेस के थ्रू कवर कराने वाला हूँ। ये आप कैसे देख पाएंगे, तो आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नेम है सौरभ मलिक ऑफिशियल। यहाँ पे मैं आपको हर एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, हर एक वीडियो की PDF प्रोवाइड कराऊंगा। तो सौरभ मलिक ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस ज्वाइन नहीं किया है तो अनअकैडमी प्लस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं बता देता हूँ। अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है घर पर रहकर ही, तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है दोस्तों, पर्सनल गाइडेंस मिलती है एजुकेटर से और टेस्ट एनालिसिस मिलता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस मिलती है, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल और वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस। आप किसी भी एजुकेटर की क्लास किसी भी टाइम देख सकते हैं और कितनी बार भी देख सकते हैं। देखिए, एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो अनअकैडमी प्लस पर आपको मिल जाता है। जब भी आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको रेफरल कोड यूज करना है STUDY10, STUDY10 विदाउट एनी स्पेस। SSC से लेके UPSC तक सभी सब्सक्रिप्शन के लिए कोड आपको अप्लाई करना है। और देखिए, जो सफलता बैच स्टार्ट हुआ है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी फीस क्या है, अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो 325 पर मंथ आपको मिल जाता है। 12 मंथ की में आपको 542 पर मंथ और 6 मंथ में आपको 900 पर मंथ, यानी कि अगर आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड जरूर ध्यान रखिएगा, STUDY10 आपको अप्लाई करना है। सभी टेस्ट सीरीज देखने के लिए भी आप इसी कोड को याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्विज़ को और प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा, अपना स्कोर भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। सॉरी, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 140 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फटाफट बिल्कुल क्विक देखने वाला है। हाल ही में SDG इंडिया इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। ये जो इंडेक्स है ये जारी किया गया था नीति आयोग द्वारा, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, जूनियर अंडर 19 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में ये पूछा गया था CGL में, ठीक है ना, CGL के प्री में पूछा गया था 2019 में ही। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दीपक पुनिया, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है दोस्तों, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं यहाँ पे आंसर बताऊँ आप लोगों को, सभी को पता होना चाहिए, डायोप्टर इज़ द राइट आंसर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मराठा साम्राज्य में शिवाजी प्रशासन के दौरान राजस्व के लिए कौन सा कर वसूला जाता था। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन चौथ और सरदेश मुखी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, परमाणु क्रमांक 40 वाले तत्व जर्केनियम का परमाणु भार कितना है। तो इसका जो परमाणु भार है दोस्तों वह 91.224 AMU, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सी होगी दोस्तों, बिल्कुल सही है कावेरी नदी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है, बेस्ट फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2019 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला। दोस्तों ये मिला है किसको, बिल्कुल सही आंसर है लियोन मेसी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन हैं। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों बराक ओबामा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, पानी में किस पदार्थ की अधिकता के कारण कैंसर हो सकता है। पानी में किस पदार्थ की अधिकता के कारण कैंसर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और सैनिक यानी कि सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वन और वाक क्षेत्र कितने प्रतिशत है दोस्तों, कितने प्रतिशत है? मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा दैट इज़ ऑप्शन सी 24.56%, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास केंद्र नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 1982 में हुई थी, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी संस्था वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है? निम्न में से कौन सी संस्था वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एनर्जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बहुत ईजी है दोस्तों, आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है। संविधान में अमेंडमेंट होता है, ये प्रावधान दिया गया है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। चोसा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो देखिए चोसा का जो युद्ध है दोस्तों वो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था, यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन सी। क्वेश्चन आता है सौरमंडल में बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह है? सौरमंडल में बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दैट इज़ ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह है, यानी कि वीनस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है? ईट राइट स्टेशन के रूप में दोस्तों FSSAI द्वारा प्रमाणित किया गया है मुंबई सेंट्रल को, यानी कि बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है निम्न में से किसने CR फॉर्मूला दिया था? किसने CR फॉर्मूला दिया था? तो CR फॉर्मूला दिया था दोस्तों सी राजगोपालाचारी ने, यानी कि डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ये काफ़ी इजी हो गया और ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो आप सोच सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयकवाड़ी बांध किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताइए दोस्तों, जयकवाड़ी बांध किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र, यानी कि बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है भारत की मौद्रिक नीति कौन बनाता है? वो मेक्स इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी, भारत की मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों ऑब्वियसली बात है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएगा, ठीक है, यानी ना कि सेबी, ना कि IMF और ना कि सिडबी, ठीक है ना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएगा। क्वेश्चन आता है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, ये आपको याद रखना है। अर्चना कामत निम्न में से किस खेल से संबंधित है? जरा जल्दी से बता दीजिए। अर्चना कामत निम्न में से किस खेल से संबंधित है? मेरे प्यारे दोस्तों अर्चना कामत संबंधित है टेबल टेनिस से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन आता है मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन बनी है, ये आपको बताना है। मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा केलीपुरी। मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन बनी है? केलीपुरी। तो राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी इमारत कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मौजूद नहीं है? निम्न में से कौन सी इमारत कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मौजूद नहीं है? व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। निम्न में से कौन सी इमारत कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मौजूद नहीं है? बुलंद दरवाज़ा नहीं है, बाकी के तीनों हैं, कुतुब मीनार और आयरन पिलर और अलाई दरवाज़ा, ठीक है ना। किस महिला को BCCI लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018-19 से सम्मानित किया गया? तो जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पे अंजुम चोपड़ा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, सिक्किम की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, बट मेघालय की नहीं लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है। तो राइट आंसर इज सी। किस देश की महिला क्रिकेटर एलिसा हेली ने T20 के एक मैच में सबसे अधिक रन बताए। देखिए मैं ये आपको क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, मतलब जिनका एग्जाम है वो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करके चले जाएं, अपना लेवल चेक कर लें और मोटिवेटेड रहिए। ठीक है, सेशन को भी लाइक करते रहिए और कमेंट बॉक्स में भी आंसर बताते रहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी जल्दी से बता दीजिए। ये शुरुआत हुई थी दोस्तों 57 ईस्वी पूर्व में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून लाया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून लाया गया था? व्हाट इज द राइट आंसर? मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून लाया गया था। क्वेश्चन आता है कि कांच से हरा रंग हटाने के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है। अभी तक आप देखिए केवल 9 मिनट हुई है और हमने 31 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए ऑलमोस्ट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज डीऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार बताया। देखिए इंटरनेट की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार बताया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन देखिए ए और बी हो गया, मतलब दोनों सेम है, बट ये ऑप्शन 15 था, ये 19 था, 21 था, 26 था, बट राइट आंसर इज बी। यहाँ पे मैंने इसको करेक्ट कर दिया है, ये 15 है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है आपका 2019 में किस महान गोल्फ खिलाड़ी को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। तो ये जो किया गया दोस्तों ये है टाइगर वुड्स, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? ये पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में दोस्तों किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जलवाष्प। ठीक है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है किस क्रिकेटर ने हैदराबाद के हार्टफुलेंस इंस्टीट्यूट में क्रिकेट स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी है। तो ये होने वाला है दोस्तों राइट आंसर क्या? नहीं, विराट कोहली नहीं होगा, शिखर धवन नहीं होगा, रोहित शर्मा हो जाएगा राइट आंसर, तेंदुलकर नहीं होगा। क्वेश्चन आता है नूरजहां जिनका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था किसकी पत्नी थी। तो ये दोस्तों पत्नी थी किसकी? जहांगीर की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन आता है मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है। मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करने वाला दोस्तों पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। देखिए 92 यानी कि 92वें ऑस्कर पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रीव्यूट कौन सी फिल्म थी। तो ये फिल्म थी दोस्तों गली बॉय, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, है ना। तो राइट आंसर इज बी, ये आपका देखना है। क्वेश्चन आता है संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक और मालिका परीक्षक का वर्णन है। तो ये दोस्तों है आपका आर्टिकल 148 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन आता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील में है। तो ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर दोस्तों झील में है, डल झील में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है। देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में पहले उपराज्यपाल के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट बताइए आंसर, ठीक है। इससे ये भी पता चलेगा कितने स्टूडेंट ने यहाँ तक इस सेशन को देखा है। प्रोपेन में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन 3 हाइड्रोजन 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये दोस्तों किस भौतिक राशि का मात्रक है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया है दाब का, ठीक है, प्रेशर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन किस शहर में हुआ था? सॉरी, देखिए सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दोस्तों कोलकाता में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी। वैसे तो अभी 16-17 लाख करोड़ मार्केट कैप ये पार कर चुकी है, और ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS नहीं होगी, ठीक है, ये होगी दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री इस टाइम पे 16 से 17 लाख करोड़ मार्केट कैप क्रॉस कर चुकी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? नहीं लगती है, तो विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश? तो यहाँ पे मणिपुर राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है छत्रपति शिवाजी महाराज की मंत्रिपरिषद का क्या नाम था? छत्रपति शिवाजी महाराज की मंत्रिपरिषद का दोस्तों नाम था अप्स्ट प्रधान, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। द ग्रेट इंडियन नोवेल उपन्यास के लेखक कौन है? द ग्रेट इंडियन नोवेल उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों, जल्दी से बताइए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, शशि थरूर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से किसे आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता था? निम्न में से किसे आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टंगुटूरी प्रकाशम, यानी कि डी राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बीमारी की जांच के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है? किस बीमारी की जांच के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा कवर कितना होता है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में दोस्तों जो बीमा कवर होता है वो 2 लाख रुपीज़ का होता है, 2 लाख रुपीज़, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है एटीएम में टी का मतलब क्या है दोस्तों? एटीएम में टी का मतलब क्या है? तो व्हाट डज टी मींस इन एटीएम? तो राइट आंसर इज टेलर, ठीक है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका राइट आंसर होता है, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेरिसेला जोस्टर वायरस से कौन सी बीमारी होती है? तो इससे दोस्तों जो बीमारी होती है वो है चिकन पॉक्स, ठीक है, जिसको मतलब इंडिया में बोला जाता है, बाकी बाहर नहीं, माता निकल गई है जिसमें पिंपल्स हो जाते हैं, मतलब बॉल टाइप ऐसे पानी सा भर जाता है, ठीक है ना, चिकन पॉक्स आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, राज्य और दर्रे के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? कौन सा करेक्टली मैच है, ये जरा बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही है, लिप्पू लेक दर्रा जो है दोस्तों वो उत्तराखंड से मैच करेगा, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा कब लड़ा गया था? 1927 में, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का पड़ोसी नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का पड़ोसी नहीं है? तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का पड़ोसी नहीं है। क्वेश्चन आता है भारत के राजकीय चिन्ह में कौन सा जानवर नहीं है? तो इसमें से दोस्तों अगर मैं बात करूं भारत के राजकीय चिन्ह में ऊंट नहीं है, ऊंट जानवर नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये दोस्तों किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर इज अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता की मैं बात कर रहा हूँ, रिलीजियस फ्रीडम की, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। आर्टिकल 25 से 28 के बीच में रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन आता है कि मेक इन इंडिया पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो मेक इन इंडिया पहल दोस्तों ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। क्वेश्चन आता है कि उड़ान योजना में ए का अर्थ क्या है? तो उड़ान में दोस्तों अगर मैं पूरे उड़ान की बात करूं तो उड़े देश का आम नागरिक इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें ए का मतलब होता है आम, उड़े देश का आम नागरिक। क्वेश्चन आता है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 के किस शहर में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों सही आंसर होने वाला है गुवाहाटी में। कहाँ पर? गुवाहाटी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को दोस्तों साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 2019 के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? 2019 की मैं बात कर रहा हूं, तो ये किया गया था दोस्तों विराट कोहली को, यानी कि राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन आता है भारतीय नौसेना के ने किस बंदरगाह पर एंटी हाईजैकिंग अभ्यास अपहरण का आयोजन किया। तो ये किया था दोस्तों कहाँ पर? कोचीन पोर्ट पे, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन आता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में। कब हुआ था दोस्तों? 1932 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। गोताबाय राजपक्षे किस देश से हैं। तो ये बिल्कुल आप लोगों से मैंने पीछे भी पूछा था शायद ये क्वेश्चन, तो ये है श्रीलंका से, ये आपको याद रखना है। कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों? कोशिका की खोज वो डिस्कवर्ड द सेल, तो राइट आंसर इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका की खोज की थी। क्वेश्चन आता है पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था। पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में, यानी कि बी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन आता है बीसीसीआई द्वारा सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया था बीसीसीआई द्वारा सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। ए और बी दोनों को, के श्रीकांत को और अंजुम चोपड़ा, ठीक है ना, दोनों को किया गया था। क्वेश्चन आता है प्रिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। ये दिया जाता है वास्तुकला, यानी कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि संविधान की अनुसूचियों के संबंध में कौन सा एक विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से दोस्तों सम्मिलित नहीं है आपका अनुसूची 2 में 22 भाषाएं आती हैं, नहीं ये 2 में नहीं आती है, किस में आती है दोस्तों? अनुसूची 8 में। क्वेश्चन आता है बेंजीन की संरचना में प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है। तो ये प्रत्येक आंतरिक कोण होता है 120 डिग्री, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। वीज़ा की नई ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों कौन है। तो वीज़ा की नई ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है, ओहो ये गलत हो गया, ये है दोस्तों अटल सुरंग, ठीक है, अटल सुरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ भारत के किस हिस्से में है। तो दोस्तों ये है उत्तर पूर्वी सीमा पर, ये भी आप याद रख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और देखिए अभी नेक्स्ट PDF पे चलेंगे, और प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करें भाई, ठीक है, नेक्स्ट PDF पे चलेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और देखिए गाइज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो, मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच गाइज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत, ठीक है। और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।